हेलो गाइस, मेरा नाम आत्मारंतुकरम भिड़ा गोकुलम सोसाइटी का एक मोहम्मद सेक्रेटरी और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने माइनक्राफ्ट में शेडर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आपको ये मैंने ऑप्टिफाइन का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया, अगर आप तो आपको इस वेबसाइट पे आना और यहाँ पे ऑप्टिफाइन 1.16.4 HD UG5 को डाउनलोड करना है। यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। उम्मीद मेरी बात मानो तो आप डाउनलोड विद IDM यूज करना। तो गाइस यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करो। ये डाउनलोड पे क्लिक किया और ये यहाँ पे साइड में देखिए ऑप्टिफाइन 1.16.HD.jar ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको पूछेगा डिस्कार्ड और कीप, ये आपको आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकती है बट ये नहीं करेगी, ये एकदम प्रूव्ड फाइल है, इसमें कोई वायरस वगैरह कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली कीप पे क्लिक करना और कीप एनीवे पे क्लिक करो। तो गाइस आ चुका ऑप्टिफाइन इंस्टॉलर। यहाँ पे फोल्डर का दे रखा पास कौन से फोल्डर में इंस्टॉल होगा और ये इंस्टॉल पे क्लिक करना। आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, अगर आप चाहो तो ये फोल्डर वाला कस्टमाइज कर सकते हो पर मेरी बात मानो तो नहीं करना। इसको सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर दो और 2-3 सेकंड या 5 सेकंड वेट करने के बाद वो मैसेज आएगा ऑप्टिफाइन इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो ओके पे क्लिक करना और ये अपना क्लोज हो जाएगा। अब अगर आप टी लॉन्चर यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया ये प्रोसेस। तो आपको सीधा अपना टी लॉन्चर ओपन करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। तो गाइस ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे लोडिंग वर्जन लिस्ट आ रहा है नाम इसकी जगह। यहाँ पे देखो मैंने ऑप्टिफाइन पहले से कर रखा है पर आपको अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट रिलीज नाम का एक बटन आएगा, आपको इंटरनेट कनेक्ट करवाना है। लेटेस्ट रिलीज 1.164 है। आप अगर आप इस थोड़ा टाइम बाद देखो शायद 1.165 आ जाए या फिर अगला अपडेट आ जाए। तो यहाँ पे इसको लेटेस्ट रिलीज पे निकालना और जो भी वर्जन है इसका ऑप्टिफाइन देखना है। यहाँ पे जैसे ये ऑप्टिफाइन 1.16.4 आ चुका है, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे एंटर द गेम की जगह आपको इंस्टॉल का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दो तो आपका गेम इंस्टॉल हो जाएगा। मैं भी आपको बता देता हूँ फिर शेडर्स कैसे इंस्टॉल करने हैं। माइनक्राफ्ट शेडर्स 1.164 जो भी आपका वर्जन है वो लिख दिया, फिर यहाँ पे बेस्ट माइनक्राफ्ट शेडर्स फॉर 1.164 इसको ओपन कर लेते हैं एक बार के लिए। तो चलो गाइस मैं एक बार आपको ये BSL शेडर्स सीख करके दिखा देता हूँ। ये BSL शेडर्स है, इस पर BSL को डाउनलोड कर क्लिक किया और आपको मैं सीधा, आपको इतना करने के लिए समस्या नहीं होगी, मैं आपको सीधा बता दूंगा कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक दे दूंगा सीधा ही, डायरेक्ट प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। तो गाइस यहाँ पे देखो BSL शेडर्स BSL मिनी पैक वाइट एडिशन शेडर्स। तो यहाँ पे BSL शेडर्स पे क्लिक करना है आपको और ये यहाँ पे बिट स्लेब लेब स्लेश BSL शेडर्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखो अबाउट FAQ चेंज लॉग एडिटर एडिट्स एंड एक्सेट्रास के बाद में आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, इस पर डाउनलोड पे क्लिक करो सिंपली। तो यहाँ पे आ चुका एग्रीमेंट यू आर अलाउड टू वगैरह वगैरह, आज का आपको कुछ नहीं पढ़ना, सीधा नीचे निकालना है डाउनलोड BSL वर्जन 7.2 जो भी है। ये लास्ट अपडेट 14 नवंबर को हुआ था, अभी 1-1.5 महीने पहले। तो यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे आप, तो गाइस यहाँ पे आपको देखो IDM, मेरे पास IDM इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे IDM का ये पॉपअप आ चुका है। स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है आपको सिंपली और आपको यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है या डाउनलोड कंप्लीट होते ही ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है, फिर अपने ब्राउजर को मिनिमाइज या क्लोज कर सकते हो आप। तो गाइस यहाँ पे आपको शेडर्स डाउनलोड होकर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे BSL जो भी है इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे कॉपी कर देना है या फिर कट करना चाहो तो कट भी कर देना, यहाँ पे कॉपी कर देनी है को यहाँ पे विंडो प्लस R प्रेस करना है, ये खोलना है आपको रन और यहाँ पे टाइप करना परसेंटेज एप डेटा परसेंटेज, ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ही मिल जाएगा फोल्डर डॉट माइनक्राफ्ट, इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे देखो रिसोर्स पैक शेव और स्क्रीन शॉट एंड सर्वर रिसोर्स पैक एंड ये लास्ट शेडर पैक से फोल्डर मिल जाएगा आपको। अगर नहीं मिले तो आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर देना, उसका नाम यही रखना शेडर पैक्स। तो इस फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पे मैंने पहले से 2 शेडर्स पेस्ट कर रखे हैं तो यहाँ पे आपको BSL मैंने पहले से कर रखा है तो यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए दोबारा कर देता हूँ। वो कॉपी करना है आपकी फाइल जिप फाइल में, जिप फॉर्मेट में कॉपी करना है, एक्सट्रैक्ट नहीं करना और यहाँ पे लाके सीधा पेस्ट कर देना है। आपको यहाँ पे प्रेस करना है एस्केप वाला बटन है, उसको प्रेस करना है और यहाँ पे ये पॉपअप हो जाएगी गेम मेन्यू और फिर आपको ऑप्शंस में जाना है और फिर जाना है वीडियो सेटिंग्स में और यहाँ पे आपको शेडर्स का बटन मिल जाएगा, शेडर्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा डायनेमिक लाइट्स के नीचे यहाँ पे लास्ट थर्ड फर्स्ट रो में। तो यहाँ पे आपको शेडर्स मिल जाएंगे जो भी आपको शेडर यूज करना है। जैसे अभी हमने BSL वाला डाउनलोड किया तो इसको क्लिक करो
तो गाइस यहाँ पे आपको रीलोड होने के बाद में डन पे क्लिक करना है, वो शटर सेलेक्ट हो गया डन, फिर से डन और बैक टू गेम पे क्लिक करना है। और गाइस यहाँ पे आपके शेडर्स पैक है, जो भी आपका शेडर पैक है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।